गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ECL सेफाली प्राइवेट ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश साहू, ECL सेफाली प्राइवेट ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग SMPS के बारे में देखेंगे। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज SMPS, SMPS क्या है, कि SMPS क्या है। उसके बाद देखेंगे नीड फॉर SMPS, SMPS की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SMPS, कि SMPS जो है हम लोगों का काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज SMPS। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SMPS का फुल फॉर्म। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये इसका जो SMPS का फुल फॉर्म, SMPS का फुल फॉर्म हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो और इसका प्रयोग हम लोग रेगुलेटर DC आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं, जो हम लोगों के घर में आती है AC इनपुट वोल्टेज, और जैसे हम लोग कंप्यूटर में वो SMPS रेगुलेटर पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फिगर है इस प्रकार के SMPS का प्रयोग करते हैं, जो हम लोगों का DC आउटपुट रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज देती है। तो सबसे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि SMPS की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड ऑफ SMPS। तो नीड ऑफ SMPS, हमारे पास रेगुलेटर पावर सप्लाई थी जो रेगुलेटर DC आउटपुट वोल्टेज देती थी। जैसे हम लोग 10 वोल्ट 12 वोल्ट हम लोग प्रैक्टिकल रूम पे देखे हैं कि रेगुलेटर पावर सप्लाई थी, जिसमें हम लोग सर्किट बनाते थे और आउटपुट वोल्टेज देते। लेकिन हम लोगों को जैसे कंप्यूटर यूज करना हुआ, वहाँ पे SMPS का प्रयोग होता, तो वहाँ पे हम लोग को रेगुलेटर आउटपुट पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे हम लोग रेगुलेटर पावर सप्लाई का यूज नहीं करते, क्योंकि रेगुलेटर पावर सप्लाई वो हम लोगों की लो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, और जो हम कंप्यूटर पे हम लोग को यूज करना है वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करना है। तो SMPS का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो हम लोगों का 15 kHz से 1 MHz की होती है। तो SMPS देखते हैं कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है, मोबाइल के लिए यूज किया जाता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग के जीवन में सबसे बेस्ट उदाहरण है मोबाइल का चार्जर, जो हम लोग का एक SMPS का बेस्ट उदाहरण है। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे SMPS का वर्किंग कंस्ट्रक्शन, तो उस पर आप लोग देखिएगा कि जैसे वर्किंग कंस्ट्रक्शन रहेंगे बिल्कुल वैसे ही हम लोग का चार्जर एक प्रकार का SMPS है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्ट वर्किंग कि इसका कैसे वर्किंग का। तो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SMPS देखते हैं। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोगों को चार भागों में बांटा गया। जो पहला सेक्शन है वो हम लोगों का AC इनपुट सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है पावर सेक्शन है, तीसरा हम लोग का आउटपुट सेक्शन है, और चौथा हम लोगों का कंट्रोल सेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक सेक्शन। तो आइए एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से ये चारों सेक्शन को देखते हैं और समझते हैं कि जो SMPS है हम लोगों का कैसे काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है ये आप लोगों का SMPS का है। तो देखिए इसको हम लोग चार भागों में बांटे हैं। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे ये चार भाग, तो ये सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जो इनपुट रेक्टिफिकेशन फिल्टर यूजिंग डायोड, तो ये हम लोगों का इनपुट सेक्शन है। फिर यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला स्विचिंग प्रोसेस यूजिंग BJT और ट्रांसफार्मर, ये हम लोगों का पावर सेक्शन है, और ये तीसरा हम लोगों का है आउटपुट सेक्शन, और ये चौथा है हम लोगों का कंट्रोल सेक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक सेक्शन, इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट सेक्शन, पहला सेक्शन को हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि पहला सेक्शन इनपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन में क्या होता है कि AC में हम लोग कोई भी SMPS है उसमें जो AC इनपुट देंगे, तो AC इनपुट कितना होगा, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में काम करेगा, जो क्या करेगा रेक्टिफायर और फिल्टर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में, DC कैसा DC, तो पल्सेटिंग DC में, और जो फिल्टर है वो क्या करेगा पल्सेटिंग DC को स्मूथ DC में कन्वर्ट करेगा। तो जो हम लोगों का इनपुट सेक्शन है वो क्या करेगा AC को DC में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद अगला सेक्शन आएगा पावर सेक्शन। जो पावर सेक्शन है इसमें सबसे पहले हम लोगों का क्या है, तो पावर सेक्शन में हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्विचिंग प्रोसेस यूजिंग BJT MOSFET और ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो MOSFET है वो हम लोगों को फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज करेगा। तो जो है हम लोगों का आउटपुट में जो DC मिला उसको हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज कर AC में कन्वर्ट करेगा। तो MOSFET यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों की स्विचिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो MOSFET का यूज किया जाता है हाई स्विचिंग के लिए, MOSFET का यूज, जो MOSFET होगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर हाई इसको हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आएगा ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर हम लोग को डिजायर आउटपुट प्राप्त करेगा। मतलब हम लोगों को आउटपुट में अगर 10 वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। यहाँ पर मेनली जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो हम लोग का स्टेप डाउन प्रकार का होता है। जैसे हम लोगों को यहाँ पे 15 वोल्ट की आवश्यकता है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे 15 वोल्ट आउटपुट का लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट हम लोग को ट्रांसफार्मर क्या AC में प्राप्त होगी, तो उसके बाद AC को फिर से आउटपुट सेक्शन यहाँ पे है, जो आउटपुट सेक्शन क्या करेगी फिर से उसको रेक्टिफायर
और फिल्टर करके आउटपुट देगी। तो यहाँ पे जो कंट्रोल सेक्शन है वो काम क्या करेगा, वो आउटपुट को कंट्रोल करेगा कि आउटपुट में अगर हम लोग को 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, उसको कंट्रोल करेगा। वो देखेगा कि 10 वोल्ट मिल रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर से वो इनपुट को बताएगा कि आपको वहाँ 10 वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये हम लोग का सिंपल सा वर्किंग कंस्ट्रक्शन था SMPS का। तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं कि जो मोबाइल का चार्जर होता है ये बिल्कुल इस चारों पे काम करता है कि उसमें भी इनपुट सेक्शन होगा, पावर सेक्शन होगा, फिर आउटपुट सेक्शन होगा और फिर कंट्रोल सेक्शन होगा। आप लोग देखिएगा चार्जर बहुत छोटा सा रहता है, उसके अंदर ये चारों सेक्शन होते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।